भूटान के डोकला क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच चीन के सरकारी अखबार ने भारत की तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत में विदेश कंपनियों के निवेश को लेकर प्रकाशित एक लेख में कहा है कि भारत के जीएसटी और मेक इन इंडिया कदम के चलते एक मार्केट के तौर पर भारत विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। इस लेख में यह भी लिखा गया है कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह मार्केट चीन से हट रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह कैसे विश्व फैक्ट्री के रूप में चीन की जगह लेता है। भारतीय सरकार ने देश के बाजार को एकीकृत करने के लिए एक से बढ़कर एक रिफॉर्म लागू किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक हैं। हालांकि चीनी अखबार ने यह भी लिखा कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग राज्यों में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अखबार ने भारतीय मीडिया के हवाले से लिखा कि फॉक्सकॉन भारत में नई फैक्ट्रियां सेट अप करने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। मिडा ग्रुप पुणे में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। यह फैक्ट्री 2018 के अंत में शुरू होने की उम्मीद है और इसका लक्ष्य अगले 5 सालों में 500 युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं इस लेख में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत में अपने स्मार्टफोन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सैमसंग ने $608 मिलियन का निवेश किया है। ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को आजादी के बाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना है। अखबार ने यह भी उम्मीद जताई है कि जीएसटी का फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को मिलेगा, क्योंकि इससे आर्थिक दृष्टि से सभी राज्यों का एकीकरण हो गया है। आर्थिक विकास में चीन से आगे भारत, बताते चलें कि हाल ही में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत वैश्विक वृद्धि के स्तंभ के रूप में उभरा है और दशकों तक यह चीन से बढ़त बनाए रखेगा।